नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। बात करते हैं क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कॉन्टेस्टेड डिवोर्स पिटीशन में, यानी लड़ झगड़ करके अगर आप तलाक लेना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा करने के बाद तलाक लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहेंगे, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। दोस्तों मेरी हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारे लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहें, आप तक पहुंचते रहें। तो आते हैं अपने टॉपिक पे और बात करते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं अगर आप कॉन्टेस्टेड डिवोर्स पिटीशन के लिए जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप, सबसे जरूरी स्टेप, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि लॉयर की फीस कितनी होती है डिवोर्स पिटीशन के लिए, चाहे वो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स है या कॉन्टेस्टेड डिवोर्स है। आज हम लोग इस वीडियो पे स्टेप्स के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको कोई अच्छा लॉयर, गुड लॉयर आपको फाइंड करना पड़ेगा, और जानने के बाद कि वह आपके केस को अच्छे तरीके से डील कर सकता है, ले सकता है, आपको आगे के काम करने पड़ेंगे, जिसमें हो सकता है आपका पहला स्टेप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो। लॉयर आपको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए बोले, सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद में सेकंड स्टेप आपका ये रहेगा कि लॉयर आपके पिटीशन की ड्राफ्टिंग करेगा, आपका लीगल नोटिस अपोजिट पार्टी को सेंड करेगा। बिकॉज कॉन्टेस्टेड पिटीशन वहीं पे होता है जहां पर एक पक्ष तैयार है, दूसरा पक्ष तैयार नहीं है। इस केस में क्या होता है कि दूसरे पक्ष को सबसे पहले 15 दिन का एडवांस नोटिस आपके लॉयर के द्वारा दिया जाना चाहिए। पिटीशन जो कॉन्टेस्टेड होती हैं, जो लड़ाई झगड़े वाली पिटीशन होती हैं, कॉन्टेस्टेड डिवोर्स की तलाक की पिटीशन होती है, वो कम से कम 2 साल के बाद ही फाइल किया जा सकता है। बिकॉज ये मैंडेटरी है कि 2 साल का सेपरेशन ड्यूरेशन हो। आप इमीडिएटली शादी करने के तुरंत बाद डिवोर्स का केस फाइल नहीं कर सकते। अगर कॉन्टेस्टेड डिवोर्स है तो आपको कम से कम 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहला स्टेप बताया, लॉयर फाइंड करना, लॉयर आपकी ड्राफ्टिंग करेगा, आपकी पिटीशन तैयार करेगा, और पिटीशन तैयार करने के समय ही 15 दिन का एडवांस नोटिस अपोजिट पार्टी को देगा। अगर जवाब आता है या नहीं आता है इस कंडीशन पे, जो तीसरा स्टेप होगा वो पिटीशन कोर्ट में फाइल करने का होगा, जहां पर आपके सिग्नेचर, आपका एफिडेविट, आपका वकालतनामा और लॉयर को अपॉइंट करने का एप्लीकेशन और उसके साथ में अदर जो अलग डॉक्यूमेंट्स हैं जो सारे आपको केस के मजबूत करते हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट दस्तावेज आपके पिटीशन पे लगाने के बाद में पिटीशन को कोर्ट में सबमिट करना होगा। पिटीशन एक बार कोर्ट में फाइल कर दी जाती है, उसके बाद कोर्ट से समन या नोटिस अपोजिट पार्टी या ओपोनेंट पार्टी जो विपक्षी है उसको फाइल किया जाता है, उसको दिया जाता है। जब अपोजिट पार्टी, सपोज डेट आप हस्बैंड है, आपने अपनी वाइफ को नोटिस दिया, तो वाइफ आपकी अब कोर्ट में आएगी और अपना जवाब दाखिल करेगी, जिसको हम लोग रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं, जो अगला स्टेप होता है। वाइफ अगर नहीं आती है तो इस कंडीशन पे एक बार, दो बार, तीन बार नोटिस या समन कोर्ट इशू कर सकती है। उसके बाद कोर्ट रुकेगी नहीं, वो एक्स पार्टी डिवोर्स डिसाइड कर सकती है। ये भी कोर्ट के पास में प्रोविजन है, मेरिट्स में कोर्ट आपका केस डिसाइड कर सकती है। लेकिन रिटन स्टेटमेंट अगर वाइफ ने सबमिट कर दिया, उसके बाद में जो भी इंटरिम एप्लीकेशन है, चाहे वो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन है या चाइल्ड कस्टडी, विजिटिंग राइट या एक्सेस राइट की एप्लीकेशन है, ये सारी जो एप्लीकेशन है कोर्ट इन सबको डिसाइड करता है और दोनों ही पार्टी को मीडिएशन के लिए भेजता है। बिकॉज कोर्ट का जो फोकस होता है, कोर्ट ये एनकरेज करती है कि दोनों ही पार्टी अपने मैटर, अपने डिस्प्यूट को जाकर के सेटल करें, सॉल्व करें मीडिएशन में। मीडिएटर दोनों की बात समझता है और समझने के बाद में उनको एक बीच का रास्ता निकाल करके देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है जहां पर आप जल्दी बेहतर तरीके से अपने डिस्प्यूट को, अपने झगड़े को खत्म कर सकते हैं। और कोर्ट का भी यही एम्फेसिस होता है, यही फोकस होता है, कोर्ट आपको एनकरेज करती है कि आप अपने मैटर को लड़ाई झगड़ा करने से पहले ही सेटल कर लीजिए। बिकॉज अगर आपने मीडिएशन में अपना मैटर सेटल कर लिया तो गुंजाइश काफी कम रह जाती है कि अब आगे आपका मैटर कुछ लड़ाई झगड़े तक जाएगा। लेकिन अगर आपने मीडिएशन में भी अपना लड़ाई झगड़ा बंद नहीं किया, अगर आप अभी भी कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, तो जिस भी ग्राउंड को आपने आधार लिया है तलाक के लिए, उसे आपको साबित करना पड़ेगा, जिसके लिए एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन का स्टेज आता है। एग्जामिनेशन पहले, यदि आपने पिटीशन फाइल की है, आप प्लेंटिफ हो या पिटिशनर हो, तो सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन होता है और फिर जो ओपोनेंट है, ऑपोजिट पार्टी है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन वो आपका करते हैं, एंड देन ऑपोजिट पार्टी के साथ भी ऐसा ही होता है। इसके बाद का जो स्टेज है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, मतलब सारे जो एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन दोनों ही तरफ से जब हो जाते हैं, बहस हो जाती है, उसके बाद में कोर्ट डिसाइड करती है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कि अब उसे किस मुद्दे पे, किस किस तरीके से डिवोर्स का जजमेंट और डिक्री देना है। और अंतिम में निर्णय का वक्त आता है जब कोर्ट जजमेंट या डिक्री डिसाइड कर
करती है। अब आपने ये पूरा प्रोसेस, मुझे बोलने में तो लगभग 5 मिनट का समय लगा, लेकिन इस पूरी प्रोसेस को लीगली होने में लगभग 3 से 4 साल का वक्त चला जाता है। जो लॉयर को, इसके पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि लॉयर की फीस कितनी हो सकती है, तो डिपेंड करती है लॉयर टू लॉयर, केस टू केस, लेकिन फिर भी वो 10,000 रुपये से लेकर के 50,000 या 1,00,000 रुपये तक भी हो सकती है। दोस्तों, आपका ये वीडियो कैसा लगा आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स पर जरूर मेंशन कीजिए। इसके साथ ही अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अगर पर्सनल आपकी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे बात करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे बात कर सकते हैं। आपका कीमती और महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए बहुत धन्यवाद।